आ गया, आ गया एक और बालवीर का दोस्त परी पतंगा के झांसे में। परी पतंगा, ले पकड़ इसे, ले जकड़ इसे अपनी डोर से। है नहीं अब तू महामणि से अधिक दूर, और हूँ नहीं मैं भी प्रधान बनने से अधिक दूर। देखो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं मानो बताओ। देखो बच्चों, चिंता मत करो, मैं मानो को खुश नहीं होने दूंगा, ठीक है? तबा तबा, तुम यहाँ कैसे आए और तुमने पृथ्वी लोक पर कदम कैसे? कदम हो रहा है ना तुम्हें आश्चर्य कि चल क्यों नहीं रहे मेरे ये कदम तुम्हारी अपनी रेखा जादू से? बालवीर है ये सब कमाल इन जादुई जूतों का है जो छुपाए मैंने तुम्हारी प्यारी नटखट परी की प्रयोगशाला से। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पतंगा परी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में मानव को बचा के ही रहूंगा। बापूजी, आप ठीक तो है ना? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, हाँ महेश कुछ करेंगे। हाँ बहू, अब महेश पे क्या कर सकता है? तुम्हारे बापूजी भी ना ऐसे कबाड़ में छुप गए जिसकी चाबी खो गई है। अरे क्या कुछ भी बोल रही है, अरे छुपते वक्त मुझे थोड़ी पता था कि सलमारी की चाबी गुम हो गई है। अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? ये सीटी बजाते बजाते गला सूख गया है, सांस भी लग गई है, लेकिन इनको बताऊं कैसे? अरे हाँ, कागज पे लिख के देता हूं। पैसे तो निकल नहीं रहे और रसीद निकल रही है। अरे रसीद नहीं है, चिट्ठी है। चिट्ठी है? ए रुको, सुधा रुको रुको, पढ़ना मत पढ़ना मत। माँ मैं समझ गया हूँ, बापूजी आपको ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जो वो कहने से शर्मा रहे हैं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। भाई बताइए बताइए क्या लिखा है? तुम्हारे बापूजी को प्यास लगी है। अब मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे पर बहू, तुम पानी तो लेकर आओगी पर हम पिलाएंगे कैसे? आ गया। सॉरी भाभी, आप पानी लेके आइए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। समझ गया मैं। माँ ये क्या आइडिया निकलेगा पता है? वो है ना पिचकारी लेके आएगा, यहाँ से पिचकारी मारेगा, बापूजी वहां से पानी पी लेंगे। पानी 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 पान
भाभी पानी दीजिए। अच्छा बाइक लेके आया है। वाह रॉकी वाह, क्या बात है। बाबूजी बाबूजी पानी। रुक जा, छोड़ दो उस बच्चे को, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ, तो बच्चों को बचाने वाले बाल भी तुम ही हो। तुम मुझे रोकोगे? पतंगा परी को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। चला जाऊंगा पतंगा परी, लेकिन तुम्हारा अंत करने के बाद। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो उसे। चेतावनी? अब मैं देती हूँ तुम्हें चेतावनी। ये देखो। तू इस पे असर क्यों नहीं कर रहा? हे विस्तार परी, मेरे तीरों में अपनी शक्ति भर दो, पतंगा को नष्ट कर दो। तुम्हें परास्त करके बाल दी, पर क्या करूं, मेरा कुछ काम अधूरा है, इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत जिद्दी हो तुम पालती, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। बालवीर
ये क्या सब बालवीर? करो मत चिंता, वो मैं चुड़ा था अभी तुम्हें। अरे ये धागा कैसा है, नहीं रहा ये टूट क्या? हे, मेरे पास भी धागा तेज और मजबूत है जो बना बालपरी के बालों से। मुंह काटता अभी मैं इससे। धन्यवाद डुबाड़े भाई। हाँ लेकिन बालवीर, हुई कैसे तुम्हारी ये हालत? है कहाँ मानव? और थी कौन वो पतंग बना जिसने मानव को बंधक? डुबाड़े भाई, वो कोई मामूली पतंग नहीं थी, बल्कि वो पतंगा परी थी। बहुत ही बुरी और शक्तिशाली है। बालवीर! और उसने मानव को ही। बालवीर कहाँ है आप? बालवीर! नहीं परी मुझे बुला रही, हो सकता है उन्हें पतंगा परी के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली। डुबाड़े भाई, हनी परी मुझे पुकार रही है। डुबा डुबा, हमें सबसे पहले परी लोग जाना चाहिए। हो सकता है रानी परी हमें पतंगा परी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती है। चलो एक पल रुको। चलो बस बाबूजी बस। रॉकी, रस्सी लेके आ जा। रस्सी क्यों? माँ एक मौका दो मुझे, इस आखिरी ट्राई में अलमारी खुलती है तो अच्छा है, वरना फिर तोड़ देंगे। ला 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 ला। अरे ये जो रस्सी अंदर आ रही है ना, इसे कस के पकड़ना बापूजी। हाँ कस के पकड़ के रखना, हम लोग बाहर से खींचेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। हाँ बापूजी, बापूजी। अरे बताइए ना, रस्सी पकड़ेगी नहीं आपके? जी अलमारी में से निकल गए। महेश! ऐसा बापूजी बोल रहे हैं? महेश, बापूजी अलमारी से तो बाहर निकल गए, लेकिन उनके गले से सीटी कैसे निकलेगी? आइडिया! बालवीर, हमने अपनी गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो जल्दी बताइए रानी परी, क्योंकि वो एक के बाद एक सभी बच्चों का अपहरण करती ही जा रही है। बालवीर, पतंगा वास्तव में एक बुरी परी है जो पतंग लोक में रहती है और पतंग के रूप में वो बच्चों को उड़ाकर ले जाती है। लेकिन क्यों और आखिर मकसद क्या है उसका? बालवीर, पतंगा परी एक मायावी और महाशक्तिशाली मणि चाहती है जिसे वो केवल बच्चों के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है। और अगर उसे मणि प्राप्त हो गई तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे उसे रोकना ही होगा और वो भी किसी भी हाल में। लेकिन रानी परी, मेरा जादू उस पर नहीं चला और वो मेरे सामने से मानव को उठाकर ले गई। बालवीर, आपका जादू पतंगा परी पर नहीं चलेगा, यहाँ तक कि हम में से किसी भी परी का जादू पतंगा परी पर नहीं चल सकता। तो रानी परी, उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा? एक उपाय है। क्या माँ, जल्दी बताइए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पतंगा परी का अंत करने के लिए तुम्हें पतंग बनकर उड़ना होगा, उससे पेश लड़ाना होगा और उसे काटना होगा, तभी पतंगा परी का अंत हो सकता है। तो ठीक है माँ, अब मैं पतंग लोक जाऊंगा
और पतंगा परी का अंत करके बच्चों को छुड़ाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, पतंगा परी की डोर बहुत तेज है। जी डरी पर रुकिए बागर। है पतंग के साथ डोर भी जरूरी, इसलिए हूँ मैं भी आना चाहता आपके साथ। है मुझे भी पतंग उड़ाने का अच्छा अनुभव, शायद कर सकूं मैं भी तुम्हारी कोई मदद। तो ठीक चलो डुबा डुबाए चलो। और आएगा भी नहीं, चिल्लाओ और चिल्लाओ, है नहीं आने वाला तुम्हारा चहेता वो बालवीर। उसे है कमाल किया इस परी पतंगा ने, अब आएगा मजा, मिल जाएगा उसे मणि और बन जाएंगे ये श्री श्री तोबा तोबाजी प्रधान। और जब चलेगा श्री श्री तोबा तोबाजी का रथ, करेंगी सब परियां मुझे प्रणाम और फिर कहूंगा मैं खड़े रहो सीधी से। क्यों चिल्ला रहे हो बच्चों? तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बालवीर यहाँ नहीं आने वाला, वो तो फंसा होगा कहीं मेरे जादुई धागों में बंधकर। क्या? चला था मुझसे उलझने के लिए और खुद ही उलझ कर रह गया। पतंगा परी इतना घमंड मत करो, बालवीर आएगा और हम सबको छुड़ा कर भी लेके जाएगा, और याद रखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लेना। नादान बच्चों, तुम्हें पता नहीं है कि पतंग लोक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, और अगर गलती से आप ही गया तो वापस नहीं जा सकता। क्या? अब लटके रहो यहीं पे जब तक मुझे और बच्चे नहीं मिल जाते। अब मुझे मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.